नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम प्रख्यात कथाकार प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा को ले रहे हैं। दो बैलों की कथा का हम आज यहाँ पर सार प्रस्तुत करेंगे। ये कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा का सार। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से असल में एक और कोशिश की है, वो है अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष में एकता के तत्व को जोड़ने का प्रतीकात्मक प्रयोग करने की। ये कहानी दो बैलों के आपसी प्रेम की, एकता की और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की कहानी के तौर पर लिखी गई है, परंतु यह इस बात का संदेश देती है कि हमें भी, मनुष्यों को भी, अगर जानवर अपनी अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध एकता के द्वारा संघर्ष कर सकते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। तो अंग्रेजों को इस तरह के साहित्य से परिचित न होने देने के लिए प्रेमचंद जी ने बैलों की कहानी का इस्तेमाल किया है। तो आइए हम भी अब दोनों ही संदर्भों में कहानी को देखते हैं, स्वाधीनता के संदर्भ में, मनुष्य की स्वाधीनता के संदर्भ में, और बैलों की अपनी एकता के संदर्भ में भी। झूरी काछी नाम का एक किसान है और उसके पास दो उम्दा प्रजाति वाले खूबसूरत हट्टे कट्टे बैल हैं। उसने बहुत लाड़ से उनका नाम भी रखा है, एक का हीरा और दूसरे का मोती। वह उनके साथ प्रेम करता है, उनके शरीर पर हाथ फेरकर उन्हें सहलाता है, उनके खान पान का बहुत ध्यान रखता है। उनके साथ वह मानवीय और संवेदनशीलता से भरा हुआ व्यवहार करता है। सूखा चारा भर न देकर वह उसमें खली चुनी भी उन्हें उपलब्ध कराता है। इन सब कारणों से बैलों में उसके प्रति भी प्रेम है, उसके परिवार के प्रति प्रेम है, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करने की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। और उनका अपना सेहत स्वास्थ्य भी उम्दा है, क्योंकि उन्हें खाने पीने सारी चीजों की उपलब्धता बेहतर तरीके से है। रहने का स्थान स्वच्छ साफ सुथरा है। ठंड गर्मी धूप बरसात इन सब का ध्यान रखा जाता है। उनकी जिंदगी मजे में कट रही थी, पर इसी बीच एक ऐसी बात हुई कि झूरी काछी का साला, यानी उसकी पत्नी का भाई जिसका नाम भैरो है, वह अपने गांव से एक दिन झूरी काछी के यहाँ आया और उसने कहा कि उसे खेती के काम के लिए बैलों की जरूरत है। ये गांव में हम देखते हैं कि रिश्तेदारों में भी और आपस में जो दोस्ती होने पर भी एक दूसरे के जानवरों का, बैलगाड़ियों का आदान प्रदान बड़े मजे से, खुशी के साथ किया जाता है। ये तो रिश्तेदार था। तो भैरों को जो बैल हैं वो उपलब्ध कराने में किसी तरह का संकोच या कोई हिचक झूरी के मन में नहीं आई, उसने उन्हें बैल दे दिए। भैरों उनको लेकर के अपने गांव चला गया। बैलों ने अपने मन में सोचा कि शायद हमको बेच दिया गया है, इसलिए लेके जा रहा है। तो उन्हें इस बात का दुख तो था कि हमें क्यों बेच दिया गया, पर उन्हें लगा कि हमारे मालिक को कोई तकलीफ रही होगी, इसलिए उन्होंने हमको बेच दिया है। चलिए, मालिक को अगर खुशी है हमें बेचने से तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उनका भाव था। अब जो है
वो भैरव उन्हें ले तो आया, लेकिन वह उनसे जी तोड़ के मेहनत तो कराता था, पर खाने पीने को वह सूखा चारा थोड़ा सा डाल देता था। खली चुनी का तो नाम लेवा ही कोई नहीं था, ऊपर से मारता पीटता भी बहुत था। तो दोनों बैलों को ये बात बहुत अपमानजनक लगती थी, असहनीय लगती थी, बुरी लगती थी कि कोई उनके साथ इस तरह मारपीट करता है, खाने भी ठीक से नहीं देता, मेहनत भी जी तोड़ लेता है। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब यहां से भागना चाहिए, और वो रस्सी तोड़ा करके भाग कर झूरी के घर में आ गए। झूरी सुबह उठा तो उसने देखा कि बैल अपने बांधे जाने वाले स्थान पर खड़े हैं और उनके गले में रस्सी के टुकड़े लटक रहे हैं। तो वो समझ गया कि ये बैल वहां से भाग कर आ गए हैं। उस वह उनके गले लग गया और उसने उनको खाने पीने को बढ़िया अच्छी खली चुनी इत्यादि दी। झूरी काछी की पत्नी ने यानी भैरों की बहन ने जब देखा कि बैल लौट आए हैं तो वो बहुत बैलों पे नाराज हुई। उसने कहा, ये कामचोर है, बेईमान है, वो वहां से भाग आए हैं। तो उसने जो है नौकर को इस बात की ताकीद कर दी कि वह इनको किसी तरह से खली चुनी वगैरह नहीं देगा, बस सूखा चारा देगा और उस वही इनको खाने मिलेगा। नौकर भी अपने माली मालकिन से डरता था, मालिक से तो नहीं डरता था, पर मालकिन के भय के कारण वह बैलों को ठीक से खाने पीने का इंतजाम नहीं करता था। दूसरे दिन भैरव खुद पहुंच गया और भैरव ने कहा कि ये बैल रस्सी तोड़ा कर आ गए हैं, इसलिए मैं इन्हें फिर से लेने आया हूं। भैरव उनके साथ बैल भेज दिए गए। बैल बड़ी मजबूरी में, विवशता में किसी तरह उसके साथ चले तो गए। रास्ते में उनमें से एक बैल ने सोचा भी कि इसको यही सींग मारकर गिरा दिया जाए, लेकिन दूसरे बैल ने कहा कि नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो, चले चलो। तो दोनों बैल फिर से भैरों के घर पर आ गए। भैरों ने पहले तो उनके भाग जाने का रस्सी तोड़ा लेने का बदला अच्छी तरह से ठोक पिटाई करके लिया और फिर उनसे रगड़ कर काम लिया। खाने के लिए भी उसने सूखे चारे जरा सा डाल दिया। अब ये उसका रोज का धंधा हो गया कि खूब कड़ी मेहनत कराना, खाना पीने को ठीक से देना नहीं और मारपीट खूब करना। दोनों बैल असहनीय अपमान से भरे हुए थे। लेकिन भैरों के घर में एक लड़की भी थी, छोटी सी बालिका। वो उसकी पहली पत्नी जिसकी मृत्यु हो गई थी उसकी बच्ची थी, और भैरों की दूसरी पत्नी जैसे बैलों को तंग करती थी, खाने नहीं देती थी, उसी तरह वह उस लड़की को भी तंग करती थी। लेकिन उस लड़की के अंदर उन बैलों के प्रति बड़ा प्रेम था। वह अपने भोजन में से रोज दो रोटियां बचाकर चुपचाप रख लेती और रात के शाम के अंधेरे में आकर दोनों को एक एक रोटी खिला देती। एक एक रोटी से बैलों का पेट तो क्या भरना था, पर इससे बैलों को संतोष बहुत मिलता था। उस बच्ची के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया था कि वो बच्ची अपने थाली से बचाकर उन्हें कितने प्रेम से भोजन कराती है। बच्ची ने देखा कि बैल रोज पीटे जाते हैं, कठोर मेहनत कराते हैं, उनकी हड्डियां निकल आई हैं। तो उसने एक दिन बैलों की रस्सी खोल दी और कहा कि अब तुम लोग यहां से भाग जाओ, ये लोग तुम्हारी बड़ी पिटाई करने वाले हैं, ये तुमसे अप्रसन्न हैं, तो तुम यहां मर जाओगे। बैल लेकिन जाने को इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि बच्ची के प्रति उनके मन में स्नेह था, प्रेम था, और ये भय भी था कि अगर भैरों को पता चलेगा कि लड़की ने ही उन्हें भगा दिया है तो इस लड़की पर भी मुसीबतें आ जाएंगी। जब लड़की ने देखा कि ये बैल भाग नहीं रहे हैं तो वो चिल्लाने लगी कि देखो देखो, बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं, उठो उठो। इस भय से कि अब भैरव आएगा और उनकी पिटाई करेगा, बैलों को मजबूरी में उठना पड़ा और भागना पड़ा और वो वहां से निकल पड़े। अब जब दोनों निकले तो उन्होंने बहुत दिनों से कोई अच्छा खाया नहीं था, ठीक से पानी नहीं पिया था, उनके साथ प्यार का व्यवहार किसी ने नहीं किया था। तो उन्हें एक बढ़िया मटर का खेत दिख गया जहां
मटर की फसल बहुत अच्छी लगी थी। दोनों वहां घुस गए और दोनों ने जी भर के मटर खाई, फिर मटर गश्ती की, एक दूसरे से खेल किया, एक दूसरे से लड़े झगड़े, गिराया गले से गले उलझा करके जो है वो प्रेम किया। इस तरह उन्होंने आनंद उठाया अपनी आज़ादी का, मुक्ति का, और बहुत दिनों की भूख से जो छुटकारा मिला था उसका। पर इसी समय एक सांड वहां आ गया और वह इन दोनों से लड़ने लगा। दोनों ने उसने पहले एक को सींग मारा, फिर दूसरे को मारा, पर अंत में दोनों ने मिलकर के उस सांड को वहां से भगा दिया। पर इस बीच में सांड के धक्के से उनमें से एक बैल नीचे खाई में गिर गया था। जो खाई में गिर गया था उसने कहा कि दूसरे बैल से कहा कि भाई तुम भाग जाओ, नहीं तो मैं तो अब यहां से निकल नहीं पाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे कारण तुम भी पकड़े जाओगे। पर दूसरा बैल जो अपने उस साथी से बहुत प्रेम करता था उसने वहां से भागने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद उस खेत का जो मालिक था वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर के, जब उसको खबर लगी कि उसके मटर के खेत में दो बैल घुसे हुए हैं, तो वो डंडा वंडा लेकर के आया और उसने दोनों बैलों को पकड़ लिया, पकड़ करके उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भी बहुत से जानवर बंद हैं और भूख से तड़फ रहे हैं, ठीक से उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, धूप में जो है वो बंधे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं गर्मी के कारण। उनमें कुछ बकरियां थी, कुछ गधे थे, कुछ और दूसरे जानवर थे, इन्हें भी वहां बांध दिया गया। दोनों बैलों ने आपस में राय की कि ऐसा करते हैं, ये बाजू की एक छोटी सी दीवार है, कच्ची है, इसको धक्का धक्का मार के गिरा देते हैं और भाग चलते हैं और इन जानवरों को भी मुक्त करा देते हैं। तो दूसरे बैल ने पहले समझाया कि भाई अगर ऐसा नहीं कर पाए, कुछ हो गया तो इन बैलों दूसरे जानवरों की भी बहुत दुर्गति होगी, इसलिए जो है वो ऐसा मत करो। लेकिन उस बैल ने जो जिसमें ज्यादा उत्साह था उसने एक दिन उस दीवार को धक्का मार के गिरा दिया और जितने और दूसरे जानवर वहां थे उनसे भाग जाने के लिए कहा और वो भागने को तैयार नहीं थे। यहां प्रेमचंद जी ये इशारा करते हैं कि जब आदमी गुलाम हो जाता है तो गुलामी की भी एक आदत पड़ जाती है, वो मुक्ति से भी प्रसन्न नहीं होता, उसको लगता है यही ठीक है, पता नहीं बाहर जाके क्या होगा। तो बैल ने उनसे कहा कि भागो, वो भागने को तैयार थे। तब उसने सींग मार मार के सब जानवरों को, बकरियों को, गधों को बाहर कर दिया। लेकिन दूसरा बैल जो था वो रस्सी से इस तरह बंधा हुआ था कि उससे वो टूट नहीं पा रही थी, तो दूसरा बैल भी रुक गया, जो मुक्त हो गया था, रस्सी नहीं थी उसके गले में, पर वो भागा नहीं। दूसरे दिन जो है वहां नीलामी हुई और दोनों बैलों को एक कसाई ने खरीद लिया और रस्सी पकड़ करके ले चला वहां से। दोनों ने रास्ते में एक दूसरे को देखा और कहा कि अरे भाई ऐसा लगता है ये आदमी जो है कुछ अच्छे तरह का नहीं है और इसकी शक्ल सूरत से ही बड़ा भय लगता है, तो क्या करना चाहिए, इसको सींग मार के लुढ़का देना चाहिए, इस पे आक्रमण कर देना चाहिए। दूसरा उसको समझाता रहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम किसी को मारने पीटने तंग करने के लिए नहीं हैं, चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। पर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक जानी पहचानी गली मिल गई, रास्ता मिल गया, दिख गया कि अरे यार ये रास्ता तो पहचाना हुआ, यहां से तो कई बार आए गए, और वो उनके गांव का उनके मालिक भैरव काछी उसका झूरी काछी का घर था, का रास्ता था, उसके गांव को जाता था। दोनों बैलों ने आपस में आंखें मिलाई, इशारा किया और एक साथ झटका मारकर रस्सी छुड़ाकर भाग निकले। अब बैल आगे आगे दौड़ रहे थे और वो कसाई जिसने बैलों को नीलामी में खरीदा था उनके पीछे पीछे भाग रहा था। बैल जाकर के अपने मालिक के घर पर जहां बांधे जाते हैं वहां जाके खड़े हो गए। पीछे पीछे काछी भी कसाई भी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि ये मेरे बैल हैं, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है और मैं इनको लेके जाऊंगा। तो बैलों ने जो है उसकी तरफ अपना सिर हिला करके जो दोनों पैरों से एक छलांग लगाई तो वो डर के मारे भाग के दूर खड़ा हो गया।
इस बीच गांव के लोग भी इकट्ठा हुए तो उनको इस बात पर बहुत मजा आ रहा था कि जो बैल हैं वो कितने स्वामी भक्त हैं। भागकर अपने घर पर आ गए और उस कसाई को भी मारने और डराने से चूक नहीं रहे हैं, उसे अच्छा मजा चखा रहे हैं। कसाई बहुत देर तक दूर खड़ा होकर बैलों को देखता रहा, गरियाता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, अंत में थक कर वो उस गांव से अपने घर चला गया। दोनों बैल फिर से झूरी काछी के यहाँ चैन से रहने लगे। झूरी काछी ने उन्हें अपने गले से लगाया, उनको खाने पीने को दिया, खली चुनी और ज़्यादा मिलाई और उन दोनों को इस तरह उसने उनका स्वागत किया जैसे कोई बिछड़ा हुआ उनका अपना नातेदार रिश्तेदार घर लौट आया हो। इस तरह दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद जी की कहानी है वो यहाँ पर समाप्त होती है। पर जैसा कि मैंने पहले ही शुरू में कहा था, यह कहानी यह संकेत देती है कि भारतवासियों को भी अपनी गुलामी के खिलाफ, अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक हो करके, एक दूसरे की सहायता करके, मदद करके और हमें अपने शत्रु से, अंग्रेजों से जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, लड़ना चाहिए। तो यह कहानी इस तरह का एक व्यापक उद्देश्य लेकर के भी चलती है। तो यह थी प्रेमचंद के दो बैलों की कथा वाली कहानी का सार था ये। और हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस विषय के बारे में, इस कहानी के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमें आपका उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।